आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आप इतने लोगों से मिलते हैं, आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों को करियर को लेकर भी यू नो गाइड किया होगा। तो अब मैं आपसे एक्चुअली यही पूछना चाहती हूँ कि हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी वो मोमेंट आता है जो बहुत टफ होता है, और कई बार हम यू नो क्विट कर देते हैं या फिर आगे बढ़ने का रिस्क नहीं लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपनी तरफ से क्या एक मंत्रा या फिर एक क्या बात बताना चाहेंगे कि यू नो कौन सा वो मोमेंट है जहां पर आपको क्विट नहीं करना है? यही वो मोमेंट होता है जहां पर हम लोग को एक्चुअली फाइट बैक करना होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात ये है ना कि अभी भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। हम जब नौकरी शुरू किए थे, अगर आप अच्छा क्वालिफाई नहीं की, अच्छी नौकरी नहीं मिली ना, तो फिर बहुत स्थिति खराब थी। आज तो अगर आप आप में जोश है, आप अच्छा बातचीत कर सकते हैं, तो पैसे की कमी नहीं है, मतलब ठीक ठाक जीने के लिए, विच मीन्स द अपॉर्चुनिटीज आर मल्टी एंड मेनी फेयर। आप कभी सोचे थे शेफ इतना बड़ा नौकरी होगा, इतना पैसे बनेगा? कभी सोचे थे कि अगर चाय की दुकान लगाए, अभी बच्चे IIT IIM से पढ़ के चाय की दुकान लगा रहे हैं, कभी सोचे थे कि चाय की दुकान लगाना अब इतना बड़ा चीज होगा? तो आज की डेट में तो जो चाहे आप ना कर सकते हैं, उसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि हम खुश नहीं हैं। मैं ये बात बहुत बार कहता हूँ, जब मैं छोटा था मैं देश गरीब था बट लोग खुश थे, जब मैं थोड़ा भी बड़ा हो गया मैं देश तो अमीर हो रहा है बट लोग खुश नहीं हो रहे, उसकी चिंता ज़्यादा है। आप करो कुछ भी, खुश रहो। अपने ज़िंदगी में थोड़े से चीज़ के पीछे इतना दुखी होना, गिवअप कर जाना, इतना सैड होना, इतना स्ट्रेस लेना, अरे ज़िंदगी भरोसा कहाँ, कितना जियोगे, कब जियोगे? आज जी रहे हो, खुश रहो, जो भी करो बहुत मन से करो। अगर मन से करोगे तो बड़े व्यक्ति तो बन ही जाओगे। नहीं अच्छा लग रहा है जो चीज़ मन में करो, थोड़ा दिन तकलीफ रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, 2-3 साल लगता है एस्टेब्लिश होने में ना, वो हमेशा उस स्ट्रगल का टाइम रहेगा। अभी मैंने आज तक किसी से नहीं मिला हूँ कि वो डे जीरो से किसी भी चीज़ में घुसा तो हीरो हो गया। तो पैसा पावर मिलकर भी फायदा नहीं, खुश रहे तो बाकी तो आ ही जाएगा।